बहुत समय पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहते थे। उनके पिता पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में पिस के उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई पत्नी बहुत अमीर परिवार से थी। उनको पसंद नहीं था कि वे गरीब थे और एक झोपड़े में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसल और ग्रेटल को कुछ सुनाई दिया। उनकी नई माँ उनके पिता से कुछ बोल रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को भगाओ, वरना हम सब मरेंगे। उनके पिता ने आवाज उठाई। तुम चुप रहो, मैंने सोच लिया है, कल इनको कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुनके ग्रेटल रोने लगी। हैंसल ने उसे चुप कराया। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता ढूंढ लेंगे घर का। उस रात हैंसल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जेब में भरकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसल पत्थर गिरा गिरा के निशानी बना रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के पिता और माँ निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। रात ढलते ही जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसल और ग्रेटल वही आग के पास ही बैठे रहे, जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डले हुए पत्थरों को देख देख कर घर की ओर जाने लगे। अच्छा किया हैंसल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुंचे, पिताजी चौंक गए पर खुश भी थे, और माँ दिखा रही थी जैसे वो खुश थी, पर सब नाटक था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तीन दिन बाद उनकी माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए, ताकि हैंसल फिर से पत्थर चुनने ना जा पाए। पर हैंसल था समझदार। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपने पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से माँ और पिता निकल लिए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसल और ग्रेटल सूरज ढलने से पहले रवाना हो गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी लाचार था। अब के ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना, और जान को मुसीबत अलग से। वो तीन दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन उनको एक बेहद सफेद चिड़िया दिखी। उसने इनको गाके सुनाया। वो उस पल अपनी भूख भूल के उस चिड़िया के पीछे गए, और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार
ब्रेड की थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडी से, और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसल और ग्रेटिल खुशी के मारे रुक ना पाए, सारी थकान भूल के उस घर की ओर भागे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने को गए, अंदर से एक आवाज आई, अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उनको सारी घटनाएं बताई, तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा था और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाई, ऐसी भी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस पे सोए वो बिस्तर इतना मुलायम। सुबह उठे तो देखा कि वो औरत नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों। वहीं उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो बक्से भर के खजाना पड़ा था। दोनों चौंक गए। हैंसल और पास से देखना चाहता था, तभी उनकी आवाज फिर आई, क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और वो चुड़ैल ठीक सामने खड़ी थी। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने तहखाने ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटिल को वो किचन ले आई घसीट के। तेरा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बना। मोटा ताजा होगा तो मुझे उसे खाके मजा आएगा, पर तू कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। ग्रेटिल को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसल था तो समझदार, उसने तरकीब सोची चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी, वो पिंजरे के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसल मोटा हुआ या नहीं। हैंसल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटिल से और खाना बनाने को कह रही थी। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, अब आज तो मैं हैंसल पाए बनाऊंगी, उसने ग्रेटिल से कहा। अवन में देख जरा, आटा पकाया नहीं। वो डरी हुई तो थी, पर ग्रेटिल अपने भाई जैसी समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे अवन में धक्का देने वाली है। मेरा सर अंदर नहीं जा रहा है, आटा नहीं दिख रहा है, ग्रेटिल बोली। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौके पे ग्रेटिल ने सारी ताकत लगा के चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटिल को पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहाँ से निकल के जंगल की ओर भागे, पर कहाँ जाए ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। एक बड़े से बतख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम चला कि वो कहाँ हैं। वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे। बच्चों को देख पिता बहुत खुश हुए।
रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब भुला दिया, पर वो पिता के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारे हीरे मोती निकाले जो उन्हें चुड़ैल के घर में मिले थे। पिता ये देख के चौंक गए। उनके परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी दो बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नरक बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी, राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे, चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया।
सिंड्रेला जल्दी यहाँ आओ। कहा हो तुम, जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दो कि क्या। शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है, और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एक तक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने
उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य के सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था, और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तो कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंगात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है, राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला। आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है?
सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। पहले एक जंगल के पास एक पुराने छोटे से घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। बस कमी ये थी कि उनका अपना बच्चा नहीं था। एक बार जब बूढ़ी औरत रसोई में बिस्किट का आटा बना रही थी, तो उसका पति आ गया। प्रिय, आज तुम क्या बना रही हो? मेरे प्रिय, आज मैं एक जिंजर ब्रेड आदमी पका रही हूँ। बूढ़ी औरत ने आटा गूंद लिया और जिंजर ब्रेड आदमी का आकार दिया। इसे ओवन में डालने के बाद वो बैठ गई और जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पकने का इंतजार कर रही थी। जब जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पक जाने का स्वादिष्ट गंध पूरी रसोई में फैल गया, उसने अपने ओवन दास्ताने पहने और जिंजर ब्रेड आदमी को बाहर निकाला। अब समय था उसे सजाने का। उसने कैंडी का उपयोग करके प्यारी सी नाक और किशमिश का उपयोग करके आंखें बनाई। फिर उसने बाल और कपड़े बनाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया और आखिर में उसके बटन बनाने के लिए कुछ चेरीज इस्तेमाल किए। उसने अपनी कृति पर एक नजर डाली और कहा, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी सुंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कमी है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, दोबारा देखा और मैं उसका मुंह तो बनाना भूल ही गई। उसने क्रीम का इस्तेमाल कर जिंजर ब्रेड के चेहरे पर होठ बनाए। अब मेरा जिंजर ब्रेड आदमी पूरा हो गया। उसी पल कुछ अजीब घटना घटी। धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है, तुम बात कर रहे हो? जिंजर ब्रेड आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने दौड़ना शुरू किया। जी हाँ, और मैं दौड़ भी सकता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी रसोई की बेंच से कुर्सी पर और फिर जमीन पर कूद गया और फिर बगीचे की तरफ जाने के लिए तेज दौड़ने लगा। वापस आओ, लौट आओ, बूढ़ी औरत चिल्लाई। जिंजर ब्रेड बात करते हुए दौड़ रहा था। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत बगीचे में गई और जिंजर ब्रेड के पीछे भागने लगी। बूढ़े आदमी ने खिड़की से पत्नी को दौड़ते हुए देखा और चिल्लाया, हे, तुम क्यों भाग रही हो? बूढ़ी औरत ने पति को दौड़ते हुए जवाब दिया, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी भाग गया, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत दौड़ रही थी, पर जिंजर ब्रेड आदमी इतना तेज दौड़ रहा था कि उसे पकड़ना असंभव था। कुछ देर बाद जिंजर ब्रेड आदमी एक खेत में पहुँचा। एक चरती हुई गाय ने उसे देख लिया। कितना अच्छा बिस्किट है, मुझे उसे पकड़ कर खाना चाहिए। गाय ने भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागना शुरू किया। रुको, भागो मत, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भागो, जोर से भागो, वो बूढ़ी औरत भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर कोई नहीं पकड़ सकता मुझे क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत और गाय जिंजर ब्रेड आदमी के पीछे भाग रहे थे और इस बार एक सुअर ने जिंजर ब्रेड आदमी को देख लिया। जिंजर ब्रेड आदमी, मेरे मुंह में पानी आ गया, रुको मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने दौड़ते हुए सुअर को जवाब दिया, भागो जितना तेज भाग सकते हो, वो बूढ़ी औरत और वो गाय भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी।
जब वे दौड़ रहे थे, जिंजरब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत गाय सुअर दौड़ रहे थे। उसी समय एक मुर्गी जो खाना ढूंढ रही थी, उसने जिंजरब्रेड को देख लिया। अरे ये तो मेरा दोपहर का खाना है। तो मुर्गी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो जिंजरब्रेड आदमी, मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ। या तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो, वो बूढ़ी औरत गाय और सुअर भी मुझे पकड़ नहीं सका, और तुम भी नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ जिंजरब्रेड आदमी। जिंजरब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत गाय सुअर और मुर्गी दौड़ रहे थे। सभी दौड़ रहे थे पर जिंजरब्रेड आदमी सबसे तेज दौड़ रहा था। जिंजरब्रेड आदमी बहुत खुश था और उसे खुद पर गर्व हो रहा था। मैं दुनिया का सबसे तेज और गतिशील जिंजरब्रेड आदमी हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजरब्रेड आदमी। जब जिंजरब्रेड आदमी ने आगे देखा तो सामने एक नदी थी और वो रुक गया क्योंकि वो जानता था कि पानी उसे पिघला सकता था। ओहो, अब क्या करूं मैं? बूढ़ी औरत गाय सुअर और मुर्गी नजदीक आ गए थे। उसी समय पेड़ के पीछे से एक चालाक लोमड़ी आगे आ गया। मैं तैरना जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने इसके बारे में सोचा। अगर तुमने मुझे खा लिया तो? बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे तुम्हें नहीं खाना है, बस तुम्हें उस पार जाने में मदद करूँगा। जिंजर ब्रेड आदमी ने चालाक लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी पूंछ पर बैठ गया। जितना हो सका कसके पकड़ लिया। लोमड़ी नदी में कूद गया और तैरने लगा। इस बीच बूढ़ी औरत गाय सुअर और मुर्गी नदी किनारे पहुंचे और देखा कि जिंजरब्रेड आदमी लोमड़ी पर बैठकर उस पार जा रहा है। वो उसे जाता देख रहे थे, ये जानकर कि उसे पकड़ नहीं पाएंगे। नदी गहरी हो गई और पानी बढ़ने लगा। अरे लोमड़ी, अपनी पूंछ ऊपर रखो, मैं लगभग गीला हो गया हूँ। मेरी पीठ पर आ जाओ, वो जगह सुरक्षित है। जिंजरब्रेड आदमी उसकी पीठ पर सरक गया। वे थोड़ी देर तैरते रहे, लेकिन जैसे ही पानी और गहरा हुआ, लोमड़ी की पीठ भी पानी में डूबने लगी। मुझे डर है कि तुम गीले हो जाओगे, तो मेरे सिर पर क्यों नहीं बैठते, वो और थोड़ा ऊंचा है। जिंजरब्रेड आदमी उसके सिर पर चढ़ गया। लोमड़ी ने अपनी योजना को अंजाम दिया और सिर पानी में डुबो दिया। पानी बहुत ही बढ़ चुका है, तुम मेरी नाक पर क्यों नहीं बैठते, वो और थोड़ा ऊंचा है। तो जिंजरब्रेड आदमी लोमड़ी के नाक पर बैठ गया। जैसे ही वो किनारे पहुंचने वाले थे, लोमड़ी ने जिंजरब्रेड आदमी को नाक से उछालकर अपना मुंह खोला। जिंजरब्रेड आदमी उसके मुंह में गिरने वाला था और लोमड़ी उसे खाने वाला था, पर ये नहीं हो सका। जब जिंजरब्रेड आदमी हवा में था, तब ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। उसने जिंजरब्रेड आदमी को अपनी चोंच से पकड़ लिया। जिंजरब्रेड आदमी ने कौवे को और थोड़ा आगे उड़ने दिया, फिर पूछा, कौवे अदरक का बिस्कुट खाते हैं? जैसे ही कौवे ने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, जिंजरब्रेड आदमी नीचे गिर गया और उससे जितना हो सका जोर से भागने लगा। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो, वो बूढ़ी औरत गाय सुअर मुर्गा और लोमड़ी ने भी मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर नहीं पकड़ सके क्योंकि मैं हूँ जिंजरब्रेड आदमी। जिंजरब्रेड आदमी भागता रहा और कभी रुका नहीं। यदि जिंजरब्रेड आदमी भागते हुए आपसे आगे निकल जाए, तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जिंजरब्रेड आदमी है और कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता।